हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि क्या किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा किसी मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है या नहीं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी दो तीन दिन पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यह कहा कि अगर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर आर बिंदु अगर गवर्नर के प्रतिष्ठा पर आँच पहुँचाएंगे तो गवर्नर अपना कृपा माने प्लेजर विथड्रॉ कर लेंगे, अर्थात उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। और गवर्नर के इस कथन का कांग्रेस और सीपीएम नेताओं के द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया और उन्होंने कहा कि राज्यपाल को संविधान के उपबंधों के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है और राज्यपाल किसी भी राज्य का नॉमिनल हेड होता है और वास्तविक जो एग्जीक्यूटिव पावर है वह मुख्यमंत्री और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात मंत्रिमंडल में निहित होता है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा, क्योंकि गवर्नर ने केरल राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा जो विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 राज्य विधानसभा से पारित किया था और राज्यपाल के पास भेजा था, उसे राज्यपाल ने विथहोल्ड कर लिया है। और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री का यही कहना था कि आप अगर उस विधेयक से संतुष्ट नहीं हैं तो आप पुनः विधानसभा को रिव्यू करने के लिए भेजें, ना कि आप अनंत काल तक उस संशोधन विधेयक को अपने पास रखें। तो झगड़ा का जर यही है। तो आज मैं इस बात की मीमांसा करूंगा कि क्या राज्यपाल किसी राज्य के मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, धारा 164 के मुताबिक हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिमंडल होगा और उसका मुखिया चीफ मिनिस्टर होगा और वह सामूहिक उत्तरदायित्व का वहन करेगा और मंत्रिमंडल का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक कि राज्यपाल की कृपा माने प्लेजर उस पर बना रहेगा। दोस्तों, पूर्व में भी अनेक मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त किया जा चुका है, लेकिन एसआर बोमई केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अब अविनिर्धारित कर दिया है कि कोई मुख्यमंत्री या उसका मंत्रिमंडल विधानसभा में बहुमत हासिल है या नहीं है, इसकी जांच फ्लोट टेस्ट के द्वारा होगा, अर्थात मेजोरिटी का परीक्षण विधानसभा के सेशन के दौरान किया जाएगा, फ्लोर पर किया जाएगा। राज्यपाल अपने मनमानी तरीके से किसी भी मंत्रिमंडल को या मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, एक बात और भी यहां बताना जरूरी है कि जिस तरह से भारतीय संविधान के धारा 74 में यह लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यह 42वें संशोधन के द्वारा प्रेसिडेंट को मंत्रिमंडल के एडवाइस को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है, ऐसा उपबंध राज्य के मंत्रिमंडल के संदर्भ में या राज्यपाल के संदर्भ में नहीं है। धारा 163 में यह लिखा हुआ है कि एक मंत्रिमंडल होगा, उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा जो राज्यपाल को एड एंड एडवाइस माने सहायता करेगा शासन व्यवस्था चलाने में, लेकिन इसके साथ ही राज्यपाल को स्वेच्छाधिकार माने डिस्क्रिशनरी पावर भी निहित किया गया है। अब दोस्तों, यह डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? पहला, रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा कोई बिल राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा पास किया जाता है जो हाई कोर्ट के पावर को इफेक्ट करता हो, या ऐसा कोई बिल जो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को प्रभावित कर रहा हो, तो राज्यपाल
उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजेगा। राज्यपाल को यह भी पावर है कि किसी भी बिल को वह रोक सकता है जो विधानसभा के द्वारा पास किया गया हो, और उस बिल को अनंत काल के लिए रोका जा सकता है। इस पर कोई समय की पाबंदी नहीं है। या तो राज्यपाल पुनः विचार के लिए विधानसभा के पास भेज सकता है या नहीं भी भेज सकता है। और यही कारण है कि केरल के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा राज्यपाल पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने विश्वविद्यालय संशोधन कानून को अपने पास काफी दिनों से लंबित रखे हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा राज्यपाल को यह भी डिस्क्रिशनरी पावर है कि मान लीजिए कि किसी भी राज्य में आम चुनाव होता है और वहां पर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकता है और किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती है कि जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर उनकी तत्काल मृत्यु हो गई हो और उनका जो कोई उत्तराधिकारी पर कोई एकमत नहीं हो पा रहा हो उस पार्टी में, तो ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल किसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर के रूप में मनोनीत कर सकता है। और ऐसे स्वविवेक अधिकार को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा अगर राज्य मंत्रिमंडल विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल उस मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर हमारे संविधान में दिए गए हैं, जैसे कि आसाम या मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल को यह विशेष रूप से अधिकार दिया गया है कि वह इन राज्यों से खनन में जो भी पैसे मिलते हैं उसको किस तरह से इन राज्यों के ट्राइबल काउंसिल को डिवॉल्व किया, उन्हें प्रदान किया जा सके। विदर्भ में, मराठवाड़ा में सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना, उसी तरह से गुजरात राज्य में कच्छ और सौराष्ट्र के लिए सेपरेट बोर्ड की स्थापना, कर्नाटक और हैदराबाद रीजन के डेवलपमेंट के लिए सेपरेट बोर्ड की स्थापना, सिक्किम में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए राज्यपाल के द्वारा प्रयास करना, कानून और व्यवस्था के लिए राज्यपाल नागालैंड में पूर्ण रूप से जिम्मेवार है और उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं धारा 371 के तहत में। उसी तरह से आसाम और मणिपुर के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल माना गया है। वह इन ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, निचोड़ यह है कि राज्यपाल को दो काम दिए गए हैं संविधान के द्वारा। पहला कि वह उस राज्य का हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन वह शासन नहीं करता है। असली शक्ति मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में निहित होता है। और दूसरा काम है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है उस राज्य में। वह एक वाइटल लिंक है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां तक राज्यपाल के द्वारा किसी मंत्री को बर्खास्त करने का प्रश्न है, तो यह राज्यपाल नहीं कर सकता है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था हमारे देश में अपनाई गई है और उसका मूल सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फंक्शन करता है, और राज्यपाल तभी किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है जब फ्लोर टेस्ट में वह मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने में असफल हो जाता है। अगर राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को या मंत्री को जबरदस्ती बर्खास्त करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू के तहत में उसका निर्णय किया जाएगा और राज्यपाल के फैसले को पलट दिया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अर्थात संसदीय प्रणाली हमारे देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और उससे छेड़छाड़ करने पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत में राज्यपाल के आदेश को पलट सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा? आप हमारे लेक्चर से सहमत हैं या नहीं हैं? अगर किसी विषय पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें अवगत करावें, मैं उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।